हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेटेजाइन टैबलेट के बारे में, जो कि इसका इस्तेमाल एलर्जी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मार्केट में सेटेजाइन बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं सेटेजाइन टैबलेट के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, कौन कौन से पर्पज़ों में यूज़ किया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, किसे नहीं लेना है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सेटेजाइन टैबलेट, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 20 रुपये की प्राइस होती है, 10 टैबलेट का पैकिंग होता है और गैलेक्सो स्मिथ काइन कंपनी की बनाई हुई यह मेडिसिन है। हमने यह बहुत ही बेसिक डिटेल के बारे में जाना सेटेजाइन टैबलेट के बारे में। अब बात करते हैं सेटेजाइन में क्या कॉम्बिनेशन है। तो इसमें एक ही कॉम्बिनेशन है, सेटेजाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक तरीके का एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जी क्लास से बिलोंग करने वाला यह मेडिसिन है। यह सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल स्किन एलर्जी के प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ इसे एजियो एडिमा में भी इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकारिया में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका इस्तेमाल स्किन पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ आँखों से पानी आने की समस्या होती है, नाक से पानी आता है, जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो उन सभी पर्पज़ों में इन सभी को रोकने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके यह फ़ायदे होते हैं। बात करें इसकी क्या डोज है, तो जो कि यह एक तरह का एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, जो कि इसका इस्तेमाल दिन में एक ही बार किया जाता है। यह एक तरीके की मेडिसिन है जो कि एंटी हिस्टामिन है। इसका इस्तेमाल दिन में एक ही बार किया जाता है। इसके लेने के बाद आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। हैवी मशीनरी का काम करते हैं, अगर आप किसी प्रकार का मशीन चलाते हैं या ड्राइविंग करते हैं, तो इस दवाई के खाने के बाद आप यह सभी ना करें और आप इसे दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक तरह का शेड्यूल ड्रग्स है, जो कि डॉक्टर की सलाह और एक देख के बाद आप इसे इस्तेमाल करें। क्या साइड इफेक्ट है, अगर आपको सूट नहीं करता तो नॉर्मल से जैसे वॉमिटिंग, सर में दर्द, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, कब्ज की शिकायत, इस तरीके के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसे नहीं लेना है प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, किडनी पेशेंट, लीवर के पेशेंट। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में आपको कोई मेडिसिन कोर्स चलता है, तो उन सभी पर्पज़ों में भी आप इसे इस्तेमाल ना करें। तो यही था सेटेजाइन टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।